नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तबरेज सिद्दीकी। सबसे पहले हेडलाइन, लूट के चार मोबाइल के साथ दो शातिर चढ़े पुलिस के हत्थे, एसपी सिटी ने किया खुलासा। अग्रवाल महिला समिति के सदस्यों ने महापौर सीताराम जायसवाल को उनके स्वस्थ रहने के लिए तुला दान कर फूल माला से किया भव्य स्वागत। जिलाधिकारी के मुख्यालय से बाहर रहने पर संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी करेंगे। 11 सूत्री मांग को लेकर राजस्व संग्रह अमीन संघ ने दिया धरना। रेलवे के महाप्रबंधक राजीव अग्रवाल ने किया मुख्यालय लेखा कार्यालय का गहन निरीक्षण। समस्त लेखाधिकारियों को सेवानिवृत्त रेल कर्मियों के पेंशन री रिविजन की प्रक्रिया में तेजी लाने का दिया निर्देश। गंदगी और खराब रोड से नाराज विकलांग शिक्षा संस्थान के छात्रों ने नगर निगम पर किया प्रदर्शन। फुटबॉल प्रतियोगिता के साथ शुरू हुआ मारवाड़ स्कूल का वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता। अराउंड द वर्ल्ड डे पर दिखी विभिन्न देशों की झलकियां। 28 दिसंबर को जिलाधिकारी करेंगे IGRS के शिकायतों के निस्तारण की बैठक। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना की सूचना भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड, 31 दिसंबर के पहले जरूरी। शहरी आजीविका केंद्र पर पंजीकृत बेरोजगार युवक युवतियों को ही मांग होने पर रोजगार उपलब्ध कराएगा डूडा। प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह 28 दिसंबर को आएंगे। पूर्वोत्तर रेलवे के GM राजीव अग्रवाल ने राजभाषा विभाग की पुस्तिका रेल रश्मि के वेब संस्करण का किया विमोचन। और जगदीश नारायण चैंपियनशिप क्रिकेट टूर्नामेंट में अक्की स्पोर्ट्स ने बस्ती की टीम को 5 विकेटों से हराया। अब समाचार विस्तार से। मोबाइल लूटने वाले दो शातिर लुटेरों को लूट की चार मोबाइल तथा एक मोटरसाइकिल के साथ पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। बुधवार को पुलिस लाइन सभागार में घटना का खुलासा करते हुए SP सिटी विनय कुमार सिंह ने बताया कि CO गोरखनाथ के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक शाहपुर घनश्याम तिवारी हम राहियों के साथ गश्त पर थे। तभी मुखबिर से सूचना मिली कि दो संदिग्ध व्यक्ति हड़वा पाठक की तरफ जा रहे हैं। दोनों को पकड़कर जब पुलिस ने तलाशी ली तो इनके पास लूट के चार मोबाइल तथा घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद किया। पकड़े गए युवक चिलवा ताल व शाहपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ के कुशल नेतृत्व में थाना शाहपुर की पुलिस टीम द्वारा दो शातिर मोबाइल लुटेरे गिरफ्तार किए गए, जिनसे लूट की तीन मोबाइल बरामद हुई है। कुल मोबाइल इनसे चार बरामद हुई है। तीन मोबाइलें लूट की मुकदमों से कनेक्ट हो चुकी हैं, जो मुकदमे इनकी गिरफ्तारी काफी पहले लिखे गए थे। और इन लोगों ने दो मोबाइल थाना शाहपुर, एक मोबाइल लूटा था थाना शाहपुर क्षेत्र से, दो मोबाइल लूटा था थाना गोरखनाथ क्षेत्र से। इसमें एक अभियुक्त जो इमरान घोषी नाम का है, ये काफ़ी शातिर है। घटना करने के बाद तुरंत महाराजगंज निकल जाता है, वहाँ अपना ठिकाने बनाता है। और इनकी गिरफ्तारी के बाद से तीन लूट के मुकदमों का सफल अनावरण हुआ है, कुल चार मोबाइल लूट की बात नहीं। इनके ऊपर अभी तक कोई आपराधिक केस मतलब दर्ज नहीं हुआ था, लेकिन ये लगातार ताबड़तोड़ मोबाइल लूट की घटनाएं कर रहे थे। ये पालीबाग पुलिस की गिरफ्त में आए, ये इसको बेच के अपने तमाम शौक पूरा करते थे। ये मोबाइल लूटते थे केवल बिक्री करने के लिए और उससे पैसे। अग्रवाल महिला समिति द्वारा शहर के महापौर सीताराम जायसवाल के सम्मान समारोह में समिति के महिला सदस्यों ने पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान समिति के सदस्यों ने स्वागत गीत एवं राष्ट्रगान भी गाया। इस मौके पर महापौर सीताराम जायसवाल को फूलदान, गुड़, तिल, चीनी, मिठाई तथा 7 प्रकार के अनाज से तुला दान किया गया। अग्रवाल महिला समिति की अध्यक्ष नीलम वासनीवाल ने कहा कि तुला दान के सभी सामान गरीबों में बांटा जाएगा। सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा कि शहर के सभी वार्ड की साफ सफाई पहली प्राथमिकता है, ये काम शुरू हो चुका है। इस अवसर पर उन्होंने कहा, फॉर श्री मान जायसवाल जी
और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि आज सुनील लालवानी जी भी हमारे बीच में आज आपसे भी सीखने को मिलेंगे। और अब जिस शख्स से मैं परिचय कराने जा रही हूँ, आप आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ी हुई हैं, श्री श्री रविशंकर जी के सानिध्य में रहती हैं, जीवन जीने की कला कोई आपसे सीखे, आप हैं सीमा छापरिया जी। सुंदर सा व्यक्तित्व है, मधुर सी आवाज़ है, जीवन कितना मधुर और सुंदर है सिखाती ये आप हैं। पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर हैं, तभी तो आपके व्यक्तित्व में इतना नूर है, छलकाती ये अमृत का जाम है, लाती ये खुशियों का पैगाम है, सीमा छापरिया जी। कृपया सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हे दया मेरे आप का हमको सदाधार हो, आपके भक्तों से ही भरपूर यह संसार हो, छोड़ दे अग्रवाल भवन में बैठे हैं और ये अग्रवाल भवन महाराजा अग्रसेन जी के नाम से जाना जाता है। तो मैं एक बार प्रार्थना करूंगा आप लोगों से निवेदन कि एक बार हम लोग और अपना स्थान एक बार जोरदार तालियां। महिला समिति अग्रवाल महिला समिति विदेशों में कोर्स लेते हैं, ये हम सौभाग्य जब भी हमारे
बारी आती है वाक बंधु बहुआयामी प्रतिभा की धनी हसमुख संभाव की स्वामी ने अपने नाम सुर्खियों में हुआ खुशी का आगाज। ये है हमारे अध्यक्ष श्रीमती नीलम जैन जी कि हमारी बहनें अग्रवाल सेवा समिति के कोई न कोई जनहित के मुद्दे पर काम करती रहती हैं और समाज के दबे कुचले और जरूरतमंदों की सेवा में रहती है। हमारी संस्थापिका बहन श्रीमती बिमला दास जी ने कहा, अभी मुझसे कह रहे थे धीरे धीरे कि धन की कमी है, मैं थोड़ा बहुत काम करूंगी। हमारे बीच में हमारे कोषाध्यक्ष और शहर के एक नामी ज्वेलर्स हमारे पीढ़ी जाई जी है, जिनके पास कोष की कमी नहीं है, जितना कोष चाहिए उनसे ले लीजिए, अगर देने में आना करेंगे तो मैं उसको पूरा करूँगा। तो बहुत अच्छी बात है, तो इनकी तारीफ भी होनी चाहिए। अग्रवाल महिला समिति तो गोरखपुर में सेवा कार्यों का आत्मनिर्भर लगा दिया है और हम सबको सीख लेनी चाहिए। रेशमा जैन जी, हमारे भाई पुष्पक जैन जी और आर्ट ऑफ लिविंग के सुनील लालवानी जी, मोतीलाल अग्रवाल जी जिनको सभी लोग जानते हैं, मीठी मीठी चीज़ें खिलाते हैं, राजीव रंजन अग्रवाल जी, दीप जी अग्रवाल और संचालिका रेणु कुंदई जी, बड़ा ही अच्छा खुशनुमा माहौल है। मैं हमें याद आ रही है कि जब मैं गुजरात गया था तो वहाँ पर तुला दान किया था मैंने द्वारिका में, और उसकी आज़ादी आ गई कि हमारे बहनों ने हमारे वजन का तुला दान किया है, वो किसी न किसी हमारे गरीब भाई बहन के सहयोग के लिए जाएगा, ऐसा ही है ना? ये बहुत ही अच्छा लगा और आप लोगों ने मुझे खरीद लिया है तौल कराने के लिए, तो मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि जो आप लोगों की अपेक्षाएँ हैं नगर निगम उस पर काम शुरू किया है। अभी जब मैं शुभकामनाएं देता हूँ, जय जय। शासन के निर्देशानुसार जन समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण के लिए माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को तहसील स्तर पर संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है तथा उस मंगलवार को अवकाश की स्थिति में उसका आयोजन अगले कार्य दिवस को किया जाता है। वर्तमान में जिलाधिकारी द्वारा चक्रानुक्रम के अनुसार तहसील दिवस की अध्यक्षता की जाती है। इस हेतु 2 जनवरी से 19 जून तक 17 तक के लिए रोस्टर जारी किया गया है। जारी रोस्टर के अनुसार जिलाधिकारी के मुख्यालय से बाहर रहने की स्थिति उस संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी द्वारा की जाएगी तथा अपर जिलाधिकारी प्रशासन एवं अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व जिलाधिकारी के साथ प्रत्येक तहसील दिवस पर उपस्थित रहेंगे। रोस्टर के संबंध में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी राजीव रौतेला ने बताया कि जनवरी में 2 को सदर, 16 को खजनी, फरवरी माह में 6 को कैंपियरगंज, 20 को बांसगांव, मार्च में 6 को चौरी चौरा, 20 को सैजनवा, अप्रैल में
3 को गोला, 17 को सदर, मई में 8 को खजनी, 22 को कैंपियरगंज तथा जून माह में 5 को बांस गांव एवं 19 जून को चौरी चौरा में संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता उनके द्वारा स्वयं की जाएगी। अपनी 11 सूत्रीय मांग को लेकर राजस्व संग्रह अमीन संघ के गोरखपुर इकाई के सदस्यों ने बुधवार को तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन किया, जिसका नेतृत्व संघ के योगेंद्र प्रसाद चौबे ने किया। प्रदर्शन कर रहे राजस्व संग्रह अमीनों ने सेवा नियमावली में सामायिक सेवाओं को जोड़ने, पात्र संघीय सदस्यों को पात्रता की तिथि से द्वितीय प्रोन्नति वेतन मान का लाभ दिए जाने, संवर्ग की शैक्षिक योग्यता स्नातक किए जाने सहित 11 सूत्रीय मांगों को पूरा करने की मांग किया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संघ के अध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद चौबे ने कहा कि अगर हम लोगों की मांग पूरी नहीं हुई तो 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। धरने में महेंद्र चौबे, वशिष्ठ सिंह, अशोक श्रीवास्तव, दीपचंद, चंद प्रकाश यादव, आफताब आलम, राकेश श्रीवास्तव सहित भारी संख्या में संग्रह अमीन मौजूद रहे। निर्देश के क्रम में 11 सूत्री धरने का आह्वान निर्देश किया गया था, जिसके क्रम में आज हम लोगों का एक दिवसीय धरना समस्त तहसील के जनपद के समस्त तहसीलों के पर हो रही है। इसमें हमारी 11 सूत्री मांग है, पे बैंड संबंधी मांग है, सामयिक सेवाएं संबंधी जोड़ने की संबंधित मांग है, हमारी योग्यता ग्रेजुएशन करने की मांग है, ग्रेड पे बढ़ाने की मांग है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में शासन के लोग हमारी मांग को सुन नहीं रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं। यदि उन्होंने हमारी मांगों को नहीं पूरा किया तो इसके विरोध में हम लोग 3 दिवसीय हड़ताल करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी, शासन की होगी, प्रशासन की होगी। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक राजीव अग्रवाल ने प्रमुख वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी NP पांडे तथा वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी सामान्य DK जयराज के साथ 27 दिसंबर को रेलवे के लेखा कार्यालय का गहन निरीक्षण किया। महाप्रबंधक श्री अग्रवाल ने लेखा कार्यालय में बनाई गई पेंटिंग का भी सूक्ष्म अवलोकन किया। महाप्रबंधक ने समस्त लेखाधिकारियों को निर्देश दिया कि सेवानिवृत्त रेल कर्मियों के पेंशन रिवीजन की प्रक्रिया में तेजी लाएं, जिससे पेंशन भोगी कर्मचारी को शीघ्रतशीघ्र लाभ मिल सके। इस अवसर पर महाप्रबंधक के सचिव DK खरे, उप मुख्य लेखाधिकारी यातायात रत्नेश कुमार सिंह, उप मुख्य लेखाधिकारी सामान्य विनोद कुमार, उप मुख्य लेखाधिकारी वित्त अजय श्रीवास्तव, उप मुख्य लेखाधिकारी भंडार सुनील सिंह, सचिव प्रमुख वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी सिद्धार्थ श्रीवास्तव सहित लेखा विभाग के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। राजेंद्र नगर पश्चिमी तुरहा बारी लक्ष्मीपुर गोरखनाथ के सरजू देवी विकलांग संस्थान के अंधे छात्रों ने गोरखपुर नगर निगम के गेट पर नारेबाजी की तथा नगर आयुक्त से अपनी शिकायत दर्ज कराया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संस्था के प्रबंधक मोहन लाल और छात्र मनोज कुमार सहनी ने बताया कि संस्थान जाने में बहुत परेशानी होती है, सड़कों पर जगह जगह गड्ढा हो गया है, जिसके कारण सड़क पर चलना मुश्किल हो रहा है, कभी कभी पैर गड्ढों में चला जाता है, जिसके कारण फ्रैक्चर हो जाता है। मारवाड़ बिजनेस स्कूल के 3 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन स्कूल के क्रीड़ा परिसर में किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि मारवाड़ इंटर कॉलेज के प्राचार्य मेजर रामनाथ गुप्ता ने किया। प्रतियोगिता के प्रथम दिवस बुधवार को फुटबॉल मैच खेला गया, जिसमें BCOM प्रथम तथा BCOM तृतीय वर्ष के बीच खेला गया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कॉलेज के प्राचार्य संतोष त्रिपाठी ने बताया कि स्कूल के 3 दिवसीय वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता का बुधवार को शुरू हुआ है, जिसमें फुटबॉल, कबड्डी सहित विभिन्न प्रतियोगिताएँ आयोजित की गई हैं। मुख्य अतिथि मेजर रामनाथ गुप्ता ने कहा कि छात्रों में शिक्षा के साथ खेल कूद की भावना जागृत करने के लिए इस तरह के आयोजन आवश्यक होते हैं, इससे छात्रों का मस्तिष्क और शरीर दोनों स्वस्थ रहता है।
मारवाड़ बिजनेस स्कूल की सत्र 2017-18 की वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन आज से प्रारंभ किया गया है। 30 दिसंबर तक चलने वाले इस आयोजन में प्रतिदिन 8 से 10 मैच होंगे। आज इसी क्रम में फुटबॉल का मैच हो रहा है, बीकॉम वर्सेस बीएससी। बीकॉम उनकी टीम है, बीकॉम टू की टीम है, बीकॉम थ्री की है, इसी तरह से बीकॉम से बीएससी की टीम है, एमकॉम की टीम है, एमएससी की टीम है। आज लीग मैच भी होंगे और आज लेटर ऑन सेकेंड हाफ में इसका सेमीफाइनल फाइनल भी होगा। ये जो पहले से चल रहे हैं उसके आधार पर स्क्रीनिंग किया गया है। इसी के क्रम में कल रेस होगा, डिस्कस थ्रो होगा, कल डिस्कस थ्रो के अलावा कल बैडमिंटन भी होगा, परसों क्रिकेट होगा और 30 को इसके अलावा कुछ और गेम, इंडोर गेम होने हैं, जैसे चेस होना है, कैरम होना है, वो होने हैं, वो भी होंगे और 30 को इसका समापन होगा। कुल मिला जुला करके छात्राओं की और छात्रों की हर प्रतियोगिता में टीम है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉयज़ के लिए है, गर्ल्स के लिए भी है। गर्ल्स की गर्ल्स से प्रतियोगिता होगी, बॉयज़ की बॉयज़ से होगी। सभी क्लास के लिए पैरेलल बनी हुई है और 30 तारीख को इसका पूरा समापन होगा। समापन के बाद में विजयी प्रतिभागियों को, विजयी टीम को पुरस्कृत किया जाएगा, उन्हें सील दिया जाएगा, प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। इनका विधिवत एक प्रमाण पत्र 26 जनवरी को वितरित किया जाएगा। कार्यक्रम में किसी भी विद्यालय में शिक्षा के साथ साथ शिक्षणेतर गतिविधियों का बहुत महत्व है। विद्यालय के नौजवान छात्र खेलकूद में प्रतिभा करते हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है और अच्छे स्वास्थ्य से उनका मस्तिष्क भी अच्छा होता है और इसके कारण वो सभी क्षेत्रों में विकास करने में मदद पाते हैं। हर विद्यालय में वैसे तो खेलकूद प्रतियोगिताएं वार्षिक आयोजित की जाती हैं, लेकिन इस महाविद्यालय में पिछले 4 वर्षों से मैं देख रहा हूं कि बहुत अच्छे स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं और इन नौजवानों के बीच में हमारे विद्यालय, इस विद्यालय के माध्यम से एक ये संदेश दिया जाता है कि यहाँ पर न केवल एक पढ़ाई का ही माहौल है, अच्छी पढ़ाई का ही माहौल है, अपितु वहाँ खेलकूद प्रतियोगिताएँ भी आयोजित की जाती हैं। उल्लेखनीय बात यह है कि हमारे जो धरातल के पुराने खेल हैं जिसमें कबड्डी, कुश्ती, वो सामान्यतः लोकप्राय होते जा रहे थे, लेकिन इस विद्यालय ने पुनः उनकी शुरुआत की है और यहाँ पर लड़कियों की, महिला पुरुष दोनों टीम, लड़कियों की भी कबड्डी प्रतियोगिता होगी और छात्रों की भी कबड्डी प्रतियोगिता होगी। साथ ही जो परंपरागत खेल विद्यालयों में आयोजित किए जाते हैं वो भी होंगे। और मुझे पूरा स्प्रिंगर लोरेटो गर्ल्स स्कूल सिविल लाइंस में बुधवार को अराउंड द वर्ल्ड इंटरनेशनल डे का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के छात्रों ने लगभग 21 देशों की वेशभूषा में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में अलग अलग कमरों में स्कूल के छात्रों ने अलग अलग देशों के रंग रूप, वेशभूषा तथा वहां के रहन सहन को बखूबी ढंग से दर्शाया। इस अवसर पर पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे ने छात्रों के प्रयास की सराहना की। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे ने कहा कि एक ही छत के नीचे 21 देशों का भ्रमण काफ़ी अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि छात्रों का ये प्रयास काफ़ी सराहनीय है। स्कूल की प्रधानाचार्य रीमा श्रीवास्तव ने कहा कि छात्रों में विश्व भ्रमण तथा सभी देशों के वेशभूषा, रहन सहन की जानकारी देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें छात्रों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है।
हमने डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को शोकेस किया हम लोग ने, डिफरेंट कंट्रीज की क्या वहाँ की लैंग्वेज है, वहाँ पे वहाँ का क्या नेशनल स्पोर्ट्स है, वहाँ के डांसेस कौन से हैं, और वहाँ के बारे में जो कुछ भी बच्चे कलेक्ट कर सकते थे इन्फॉर्मेशन, इनके लिए एक प्रोजेक्ट वर्क है, एस यू पी डब्ल्यू प्रोजेक्ट वर्क का नाम दिया है, जिसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों में मार्क्स भी मिलेंगे बच्चों को इसमें, और बच्चे जितना भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते थे और जिस तरह से एक रूम में एक कंट्री को दिखा सकते थे, बच्चों ने अपने फुल एफर्ट्स के साथ किया है, और हम लोगों ने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा अच्छा बच्चों ने किया, बच्चों को बहुत अप्रिशिएट करते हूँ मैं तो इसके लिए, बच्चों को थैंक्स तो बोलूँगी, क्योंकि जो यहाँ के टीचर्स ने जो एक कॉन्सेप्ट बच्चों को दिया, उन बच्चों को बताया, लेकिन आज तो बच्चों ने जीवंत किया। मुझे देख के ये आश्चर्य हो रहा है कि जिस हॉल में जाओ उसी में दूसरा ही देश दिखता है। और सबसे बड़ी बात मैंने पहले भी अभी कहा है कि गागर में सागर भरने का जो काम किया, सारी संस्कृतियों पे भारत महान ये जरूर दिख रहा है, क्योंकि अगर महान ना होते भारत के बच्चे तो सारे कंट्रीज़ को यहाँ जीवंत कैसे करते। ये वास्तव में स्प्रिंगर लॉरेंट स्कूल के प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल सभी टीचर्स को थैंक्स बोलना चाहूँगी इन बच्चों को, जो जीवन जीने की इन्होंने शैली दी है और आगे बढ़ने के लिए, कि पूरी दुनिया कैसी आप समझो जानो, क्योंकि पिछली बार मैं आई थी तो यहाँ पे वैज्ञानिक एक लगातार हर देशों का कि किन्होंने कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट दिया इस दुनिया में कि कैसे ये हुआ है, तो वो लोगों ने बच्चों ने उसमें भी जीवंतता का रूप दिया, आज उन्होंने दिया बच्चों को, मैं बहुत बहुत इसके लिए शुभकामनाएं, स्कूल को मैं बधाई भी देती हूँ कि उनके ये बच्चे कितने अच्छे हैं और कितने आगे बढ़ने के लिए पूरी तैयार है। 28 दिसंबर को अपराह्न 2 बजे से कलेक्ट्रेट सभागार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में IGRS के शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा बैठक होगी। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना के अंतर्गत राजकीय शासकीय सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त CBSE सेंट्रल विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय आदि माध्यमिक विद्यालयों की सूचना को भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड कराने का निर्देश प्रदान किए गए हैं, जो कि अभी तक अपूर्ण है। ये जानकारी देते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक ने सभी राजकीय शासकीय सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त CBSE सेंट्रल विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय आदि के पदाचार्यों को पत्र जारी करके स्वच्छ विद्यालय योजना अंतर्गत विद्यालय के आसपास साफ सफाई, शौचालय की सफाई, बच्चों का हाथ धोने हेतु पानी तथा साबुन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था आदि के संबंध में भारत सरकार के पोर्टल पर 31 दिसंबर तक सूचना अपलोड कराना होगा। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत डूडा गोरखपुर द्वारा शहरी आजीविका केंद्र की स्थापना किया गया है। शहरी आजीविका केंद्र के अंतर्गत बेरोजगार युवक युवतियों का पंजीकरण समस्त ट्रेडों के अंतर्गत किया जा रहा है, जिनको मांग होने पर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। ये जानकारी परियोजना अधिकारी जिला नागरीय विकास अभिकरण डूडा ने देते हुए बताया कि पंजीकरण हेतु आवेदन लिया जा रहा है, जिसमें ट्रेड ड्राइवर, सर्वे कार या सिलाई, ब्यूटिशियन, इलेक्ट्रीशियन, AC मैकेनिक, राजगीर मिस्त्री, लेबर, दाई, फोटोग्राफर, मिनरल वाटर, ट्यूशन टीचर, कंप्यूटर ऑपरेटर, नर्सिंग डिप्लोमा, सहायक नर्सिंग, पुरुष नर्सिंग महिला, अकाउंटेंट, रिसेप्शनिस्ट, टेली कॉलर, मोटर मैकेनिक, पेंटर, प्लम्बर, बढ़ई, माली, सफाई कर्मी, केयर टेकर, फिजियोथेरेपिस्ट, कुक, धोबी, टिकटिंग, संपूर्ण बिल्डिंग मटेरियल एवं निर्माण कार्य, टूर एंड ट्रेवल्स, पैथोलॉजी, टीचर गार्ड इत्यादि के अंतर्गत पंजीकरण कराया जा सकता है। अब तक 592 पंजीकरण कराया गया है, जिसमें से 180 लोगों को भी रोजगार मुहैया कराया जा चुका है। गोरखपुर के प्रभारी मंत्री, प्रदेश के सिंचाई यांत्रिक मंत्री धर्मपाल सिंह 28 दिसंबर को 1 बजे सर्किट हाउस आएंगे। 1:30 बजे से सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करने के उपरांत 5 बजे से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक राजीव अग्रवाल की अध्यक्षता में क्षेत्रीय रेल राजभाषा क्रियान्वयन समिति की बैठक 27 दिसंबर को महाप्रबंधक बैठक कक्ष में, जिसमें अपर महाप्रबंधक SL वर्मा, मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं मुख्य परिचालन प्रबंधक रवि वलूरी, सभी मुख्य विभागाध्यक्ष, मंडल रेल प्रबंधक लखनऊ, अपर मंडल रेल प्रबंधक वाराणसी सहित राजभाषा विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। महाप्रबंधक श्री अग्रवाल ने राजभाषा विभाग की पुस्तिका रेल रश्मि के वेब संस्करण का विमोचन किया। महानगर के सेंट एंड्रूज डिग्री कॉलेज के मैदान में जगदीश नारायण क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है।
आज इस चैंपियनशिप में बस्ती और अक्की स्पोर्ट्स क्लब के बीच मैच खेला गया। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए बस्ती की टीम ने 99 रन बनाया, जिसे बाद में बल्लेबाजी करने उतरी अक्की स्पोर्ट्स की टीम ने बड़े ही आसानी से 5 विकेटों से जीत हासिल कर लिया। इस प्रकार इस मैच में अक्की स्पोर्ट्स क्लब ने बस्ती को 5 विकेट से शिकस्त दी। जाते जाते एक नजर हेडलाइन पर। लूट के 4 मोबाइल के साथ 2 शातिर चढ़े पुलिस के हत्थे, एसपी सिटी ने किया खुलासा। अग्रवाल महिला समिति के सदस्यों ने महापौर सीताराम जायसवाल को उनके स्वस्थ रहने के लिए तुला दान कर फूल माला से किया भव्य स्वागत। जिलाधिकारी के मुख्यालय से बाहर रहने पर संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी करेंगे। 11 सूत्री मांग को लेकर राजस्व संग्रह अमीन संघ ने दिया धरना। रेलवे के महाप्रबंधक राजीव अग्रवाल ने किया मुख्यालय लेखा कार्यालय का गहन निरीक्षण। समस्त लेखाधिकारियों को सेवानिवृत्त रेल कर्मियों के पेंशन री रिविजन की प्रक्रिया में तेजी लाने का दिया निर्देश। गंदगी और खराब रोड से नाराज विकलांग शिक्षा संस्थान के छात्रों ने नगर निगम पर किया प्रदर्शन। फुटबॉल प्रतियोगिता के साथ शुरू हुआ मारवाड़ स्कूल का वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता। अराउंड द वर्ल्ड डे पर दिखी विभिन्न देशों की झलकियां। 28 दिसंबर को जिलाधिकारी करेंगे IGRS के शिकायतों के निस्तारण की बैठक। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना की सूचना भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड, 31 दिसंबर के पहले जरूरी। शहरी आजीविका केंद्र पर पंजीकृत बेरोजगार युवक युवतियों को ही मांग होने पर रोजगार उपलब्ध कराएगा डूडा। प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह 28 दिसंबर को आएंगे। पूर्वोत्तर रेलवे के GM राजीव अग्रवाल ने राजभाषा विभाग की पुस्तिका रेल रश्मि के वेब संस्करण का किया विमोचन। और जगदीश नारायण चैंपियनशिप क्रिकेट टूर्नामेंट में अक्की स्पोर्ट्स ने बस्ती की टीम को 5 विकेटों से हराया। अब आप मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।